फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि MCC ने न्यू नोटिफिकेशन सभी कैंडिडेट के लिए यहां पर निकाल दिया है। काउंसलिंग नोटिफिकेशन स्टूडेंट 2021 के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप लोग देख सकते हैं UG जो काउंसलिंग रहेगी उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने जो है नोटिस निकाल दिया। तो इन्होंने बोला है कि सभी यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो ध्यान देगा एंड अटेंशन एडवाइजरी फॉर द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द UG काउंसलिंग 2021 आर इन्फॉर्म्ड एज अंडर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर UG काउंसलिंग 2021 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। MCC ऑफ DGHS अलॉट द सीट टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। MCC जो रहेगी वो यहाँ पर सभी के सभी जो कैंडिडेट रहेंगे उनको जो सीट अलॉट करने वाली है वो मेरिट के बेसिस पर किए करने वाली है एंड चॉइस फिलिंग यहाँ पर जो है की जाएगी, ठीक है। बाय देम थ्रू द MCC सॉफ्टवेयर विच कैन बी डाउनलोड ओनली बाय द सक्सेसफुली कैंडिडेट फ्रॉम द MCC वेबसाइट। तो इन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो है चॉइस फिलिंग के बेसिस पर मेरिट लिस्ट निकालने वाले। चॉइस फिलिंग रहता है, आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को फिल करना रहेगा। तो इन्होंने बोला कि हम लोग जो एडमिशन देंगे उसी के बेसिस पर देने वाले। MCC डज नॉट अलाउ सीट्स ऑन द नॉमिनेशन बेसिस। MCC जो रहेगा कोई सीट अलाउ नहीं करेगा नॉमिनेशन बेसिस पर। इट इज़ फर्दर रिडायरेक्टेड दैट नो लेटर आर इशूड बाय MCC ऑफ DGHS टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले नॉमिनेशन वगैरह। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट बाय द MCC हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द MCC वेबसाइट। तो यहाँ पर जिन जिन कैंडिडेट को यहाँ पर अलॉट की जाएगी सीट उनको अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा एडमिशन के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, जिस भी आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर आप लोगों के पास होना चाहिए जो कि MCC प्रोवाइड करेगा। तो ये आप लोग को ज़रूर डाउनलोड कर लेना है एंड रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में फॉर एडमिशन। जो उस भी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हुआ हो उसमें आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा। एज़ द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू बी अवेयर ऑफ एनी द लेटर्स इशूड बाय द, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा कि अगर कोई आप लोगों को अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी लेटर इशू करता है अदर देन MCC तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। कैंडिडेट शुड बी क्वेश्चंस ऑफ द फेक एजेंट्स आर एडवाइज टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ हायरिंग एजेंट फॉर द सेम। काफ़ी स्टूडेंट अभी क्या करते हैं कि हम लोग जो है ऐसे करते हैं कि कोई हमारी काउंसलिंग करवा दे, मैंने यहाँ पर किसी एक पर्सन को यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं कि वो हमारी पर्टिकुलर काउंसलिंग करवाने वाला है, मतलब पैसे वगैरह देकर जो है वो उनको काउंसलिंग के लिए हायर कर लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। इन्होंने बोला है कि फेक एजेंट से दूर रहें, जितनी भी जो चीज़ होगी वो वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को करनी होगी। बोला जो पासवर्ड जो क्रिएट होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वो शेयर नहीं करना है किसी भी के साथ, मतलब एनीवन के किसी भी के साथ जो है ना पासवर्ड शेयर नहीं करना है। MCC डज नॉट होस्ट एनी वेबसाइट अदर देन, इन्होंने बोला कि MCC सिर्फ एक ही वेबसाइट है www.mcc.nic.in, इसके अलावा MCC किसी वेबसाइट को होस्ट नहीं करता है, किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करता है। कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ फेक वेबसाइट, कैंडिडेट को पता होना चाहिए क्या रियल वेबसाइट है। क्या बोला कि कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि क्या फेक वेबसाइट है क्या रियल वेबसाइट है। तो ये आप लोग जो है देख सकते हैं जो MCC यहाँ पर आप लोग डिफाइन करें। एनी केस ऑफ द अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट निकलती है और एजेंट यहाँ पर निकलते हैं रिपोर्ट होता है MCC को, FIR में भी लॉज बाय द कैंडिडेट फॉर सच ए मैटर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट रहेगा वो इन मैटर के लिए अगले वाले पे FIR भी कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रख लेना है, जो है आप लोगों को फ्रॉड से बचना होगा 100%। तो आप लोगों को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करना होगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना होगा, बिकॉज इस चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस यहाँ पर नोटिस के थ्रू जो है MCC ने बताने की ट्राई की UG काउंसलिंग 2021 की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया। अभी बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।